वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सरदा ने मेरे को एक चैलेंज दिया है कि पूरा दिन मैं आज व्लॉग बनाऊंगा। तो सरदा बिल्कुल भी कैमरा पकड़ेंगे भी नहीं आज। तो चलो देखते हैं कि मैं व्लॉग बनाता हूँ नहीं बना पाता। और सरदा भी नहाने गए हैं, बाकी एक्साइटेड काफी हूँ मैं। देखते हैं कि 10 मिनट का मेरा गोल पूरा हो पाता है नहीं हो पाता। और चलो अभी नीचे चलते हैं। भाई ओरियो यहाँ पर बैठा है। ओलू काटेगा यार, छोड़ो। नीचे आ रहा है? नहीं आ रहा हूँ। और बड़े मियाँ पर धो रही है कपड़े, बड़े पापा दाढ़ी काट रहे हैं अपनी। तो बड़े मियाँ आज पता क्या है, सरदा ने ना मेरे को चैलेंज दिया है कि पूरा दिन आज व्लॉग मेरे को ही बनाना है। अच्छा। सरदा आज कैमरा भी नहीं उठाएंगे इसलिए बना रहा हूँ मैं। अच्छा, क्यों? बस सरदा कह रहे थे मेरा मन नहीं आज बना, ठीक है मैं बना लेता हूँ। अच्छा, मूड खराब हो रहा है। चलो अभी प्लाट में पानी दे के आते हैं और देख के आते प्लाट में कितना काम हो गया। तो आज ना यहाँ पर छत पे ना मिट्टी डल रही है वहाँ पर। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पर छत के ऊपर और ये छत हिल रही है, यहाँ पर डाल रखी है पूरी मिट्टी। तो अभी यहाँ पर धूप काफी तेज हो रही है, तो चलो चलते हैं घर। तो अभी यहाँ पर सीढ़ी लगा रखी है ऊपर नीचे जाने के लिए। भाई डर लग रहा है। 1 2 3 चलो चलो चलते घर। छोड़ दो को देखे आनी है, चले हो रही छोड़ दो को चाय दे के आते। चलो लो, आप कर क्या रहे हो? कुछ नहीं कर रहा यार। सरदा बाकी सब तो सही है, यहाँ पर M और 4 का आता पता ही नहीं है, लियन लिख रखे हैं। मेरे को पूरा बना दिया, कितनी परसेंट होगी ये? 80। थोड़ा डिटेल करोगे अब इसका ना? तो गाइस अभी मैं यहाँ पर थोड़ी देर पियानो बजाता हूँ, खाली बैठा हूँ। तो अभी आईपैड में से देख देख के मैं थोड़ी बहुत सीख रहा हूँ, तो मैंने 3 सीख ली अभी। तो गाइस अभी मैं आईपैड चला रहा था और सरदा का व्लॉग आया, तो मैंने वो चलाया और लिखा रहा था 27 और ट्रेंडिंग। तो वीडियो ट्रेंडिंग में आई है, पापा कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू बेटा। तो गाइस अभी हमारी वीडियो 13 नंबर पे आ गई है ट्रेंडिंग पे। तो गाइस अभी का सीन ये है कि अभी बज रहे हैं 4:30 शाम के और यहाँ पर सैलरा भी बना रहे हैं चाय। तो गाइस बड़े दिनों बाद यहाँ पर कट रहा है प्याज। आज हमारी मेरी फेवरेट सब्जी बनेगी जो है करेले की सब्जी। तो गाइस अभी का सीन ये है कि मेरे को लग रही है भूख और मेरे पास 5 रुपए तो पड़े हैं, बट बाहर जा नहीं सकते, बाहर कोविड हो रहा है इसलिए। तो हम एक चीज खाएंगे घर में बड़ी दी मैगी मसाला। बताना गाइस किस किस का फेवरेट है ये? मेरा तो बहुत फेवरेट है। पकड़ 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 सरदा, चल गए चाय पी लो। क्या यार तू कैमरा मेरे मुंह पे ला रहा है, तेरे खुद का ब्लॉग करना है। मैं कह रहा था मुझे मत दिखाइयो। क्या हुआ कि सुबह से यहीं पर बैठे हो, तपस्या में बैठे हो क्या? तो गाइस अभी शाम के बज चुके हैं 5:16 और अभी तक मैंने बिल्कुल भी ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया, ना ही मैंने कुछ कैमरा उठा के ब्लॉग बनाया, बिकॉज मेरा बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। एक्चुअली सीन ऐसा था ना, वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड तो उनके घर में कोरोना की वजह से डेथ हो गई। सुबह सुबह एकदम से न्यूज आई ना, मतलब मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे थे ये सुन के। उसके बाद फिर मम्मी ने बोला हमारे रिलेशन में भी ऐसा कुछ हुआ है, तो और भी काफी सारे न्यूज मैं देख रहा था, तो वही सब मेरे माइंड में चल रहा था। मेरा बिल्कुल भी व्लॉग करने का मन नहीं कर रहा था। हर किसी की फैमिली में कोरोना 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 और इतना तेज है कि लोग बच ही नहीं रहे हैं, और जो डर है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया है मेरे अंदर। तो आप सभी लोगों को भी यही कहना चाहूंगा कि अब की बार जो कोरोना है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो रहा है, बस जब तक ठीक नहीं हो रहा ना घर के अंदर रहने की कोशिश करो। बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है लोगों को, बहुत ही ज्यादा। तो वैसे अभी सरदा गए आंटी के लिए खाना ले रहे। आंटी खाना खाएगी, आंटी को खाना दिया जा रहा है यहाँ पर। लो आंटी तू मत काटियो रे, और जैसी कहाँ है अड्डा बना रखा है नीचे। हाँ कि नहीं, इट्स हर चॉइस। बाय द वे गाइस आज हमारी वीडियो ट्रेंडिंग में चल रही है, पहले 9 नंबर पे आई थी, अब फिलहाल 13 पे चल रही है। अराउंड 4 घंटे पे ही ट्रेंडिंग में आ गई थी, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जो हमारी मम्मी पापा की एनिवर्सरी वाली वीडियो, तो थैंक यू सो मच। और हाँ, आज मैंने देख लिया पीयूष की व्लॉगिंग, अब मुझे पता चल चुका है कि हमारे घर में अच्छी तरह से जो व्लॉग आपको पसंद आते हैं वो सिर्फ व्लॉगिंग मैं ही कर सकता हूँ। जिस तरह से मैं शूट करता हूँ, पापा जी क्या कर रहे हैं, मम्मी क्या कर रहे हैं, पीयूष क्या कर रहा है, साहिल, या फिर मैं, जिस तरह से मैं सुबह से शाम तक का पूरा स्टोरी बना के आपको रिप्रेजेंट करता हूँ, और एडिटिंग सबसे मेन होती है, बिल्कुल सिंपल एडिटिंग, तो वो आई थिंक बिकॉज मैंने देख लिया इसकी व्लॉगिंग कैसी व्लॉगिंग करता है ये। इस तरह से अगर ये कैमरा पकड़ लेगा ना तो ये कैमरे में बोलने में झिझकता है, मतलब ज्यादा बोलता ही नहीं है इसको, मतलब शर्म आती है। इवन मम्मी पापा के सामने बोलने में भी शर्म आती है इसको। देख लिया मैंने आज जितना तूने शूट किया, मैंने देखा किस तरह से ब्लॉगिंग कर रहा है। अगर इसको मैं कैमरा पकड़ा दूँ पूरा दिन ब्लॉग कर सकता है या नहीं कर सकता? कर तो सकता है, बट वो मज़ा नहीं आएगा आपको जिस तरह से यूजुअली मज़ा आता है, क्योंकि कैमरा मैं पकड़ता हूँ ना तो मुझे पता है किस तरह से स्टोरी रिप्रेजेंट करनी है, तभी तो लोगों को इंटरेस्ट आएगा, तभी तो लोग बोर नहीं होंगे ना। तो वो एक्सपीरियंस ही आता है, पूरे 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया मुझे, चलो ये आता है थोड़ी। हाँ ये फनी है वो बात अलग है, बट स्टिल मेरे से वैसे होता ही नहीं है, पूरा ब्लॉग थोड़ी होता है। चलो कोई बात नहीं, आज इसका टेस्ट भी हो गया, अब से ब्लॉगिंग मैं ही करूँगा। तो गाइस अभी हमारी पार्किंग कंप्लीट हो चुकी है,
एंड ओरियो को हमने ईंटों के बिठा दिया। ये वाली ईंट ना एक्स्ट्रा हो गई तो ये वापस चली जाएंगी, बाकी सारे वहाँ खड़े हैं। अभी मैं भी जाता हूँ वहाँ पे, दिखाता हूँ ऊपर की छत कैसी लग रही है। उसमें एक अलग ही सिस्टम बना रखा है पापा जी ने, इसकी आंखें देखना। यहाँ पे तो मिट्टी डाल दी ऊपर और उधर टीन डाल दिए, मतलब आधे में टीन आधे में मिट्टी। ये पापा जी का दिमाग पता नहीं क्यों। ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, अभी गीला है ये तो। इसको सूखने में अभी कल का दिन और लगेगा, परसों हम इसमें अपनी गाड़ी डाल देंगे, फिर गाड़ी खड़ी रहेगी बिकॉज लॉकडाउन लग रहा है, हम कहीं जा नहीं सकते, तो अराउंड एक दो महीने गाड़ी खड़ी ही रहेगी यहाँ पे। बाइक वगैरह भी डाल के देखेंगे, देखें कितना स्पेस है, हमारी सारी बाइक गाड़ी और साइकिल आ जाती है नहीं आती। तो अभी फिलहाल डिनर करते हैं, करेला रोटी पीज़ का फेवरेट है करेला। तो अभी डिनर करके आ गए हैं पूरी फैमिली यहाँ पे, और आज ब्लॉग काफी छोटा बना है, कभी कभी हो जाता है। तो आप सबको भी रिक्वेस्ट करेंगे, घर में रहो, सेफ रहो, घर का खाओ, अच्छे से सिंपल खाओ जैसे हम खाते हैं, सिंपल दाल रोटी, जब तक सब कुछ ठीक नहीं जाता एक दो महीने तक, बस यही कहना चाहेंगे। फिलहाल इस ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ, छोटा सा था, सिंपल सा था, जो भी था आपने देख लिया, इसकी ब्लॉगिंग देख ली। आज मैंने ब्लॉगिंग कराई, इसमें तो सिर्फ 2 मिनट की फुटेज बनाई, वो भी मैंने किस तरह से एडिटिंग किया वो तो मुझे पता है। एनीवेज, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पे नया सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। तो गाइस अभी हमारी वीडियो 13 नंबर पे आ गई है ट्रेंडिंग पे, तो बड़े बाबा बड़े में पता नहीं कहाँ है।